वेल दोस्तों, मैं हूं सनी मुद्गल और स्वागत है आपका एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, फाइनली यामा ने अपनी एमटी 15 वर्जन 2.0 को लॉन्च कर दिया है। और इस बाइक में दोस्तों, जो प्रीवियस वर्जन था उससे हमें क्या कुछ अच्छी चीज़ें मिलती है, क्या कुछ चेंज किए हैं कंपनी, तो वो सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ऐसे ही और भी अपडेट्स देखने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, देखिए लुक और डिज़ाइन की। तो यार, डिज़ाइन आपको वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि प्रीवियस वर्जन में आता था। यहाँ पे डिज़ाइन में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे इस बाइक में। और दोस्तों, ये जो वीडियो है वो मुझे भेजा है मुझे मेरे दोस्त जॉय ने। यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो बाइक है बांग्लादेशी बाइक है, और ऐसी की ऐसी बाइक इंडिया में लॉन्च हुई है। बस ग्राफिक्स का थोड़ा सा चेंज किया है कंपनी ने, तो वो क्या है वो आपको फोटोज़ में आगे पता चल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लुक और डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन में आपको यहाँ पर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बस हेडलैम्प में थोड़ा सा काम किया है कि इसको छोटा कर दिया गया है, और प्रीवियस वर्जन में जो आती थी वो थोड़ी बड़ी थी। यहाँ पर वही आपको सेम प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है, जो कि डेविल जैसा आता है। और इसकी जो विजिबिलिटी है नाइट में काफ़ी शानदार है। और यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट चेंज की अगर बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अब हमें यूएसडी सस्पेंशंस देखने को मिलते हैं। पहले जो है हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस देखने को मिलते थे, लेकिन अभी जो है अपसाइड डाउन सस्पेंशंस इस बाइक में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है इस बाइक के लिए, ताकि आप लोग ऑफ रोडिंग में और हाईवे पर अगर इस बाइक को लेके जाओगे तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी तकड़ी हो जाएगी। बाकी दोस्तों, अगर दूसरे चेंज की बात करें तो पहले जो है इसमें नॉर्मली स्विंग्राम वो जो फ्रेम है वो आती थी, लेकिन अभी जो है एल्यूमिनियम के स्विंग्राम जो अब्रोव फ्रेम है, जैसे कि R15V4 में आ रही है, वो हमें इस बाइक में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हम लोग दोस्तों वेट कर रहे थे कि यामा जो है यहाँ पे ड्यूअल चैनल ABS देगी, क्योंकि इसको जो लेके है काफ़ी लीक्स आ रहे थे कि यहाँ पे जो ABS है वो ड्यूअल चैनल देगी। क्योंकि इस बाइक की प्राइस और जो R15V4 है इसकी प्राइस, दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस है, 10-12 हज़ार रुपये का डिफरेंस है ऑलमोस्ट दोनों ही बाइक में। तो यहाँ पे इसमें भी ड्यूअल चैनल ABS देना था। बाकी दोस्तों, चेंजेस वैसे कंपनी ने कुछ भी नहीं किया है, बस USD सस्पेंशंस दे दिए और यहाँ पे जो ग्राफिक्स है इनको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। और यहाँ पे ये ऑफिशियल वीडियो भी मैं साथ में शेयर कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ पर जो ग्राफिक्स है वो कितने चेंज किया है कंपनी ने। अगर आपके पास ओल्ड मॉडल है तो दोस्तों चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, ओल्ड मॉडल ही अच्छा है। मतलब थोड़े से ग्राफिक्स चेंज किए हैं, बाकी कोई भी चेंज नहीं किया है। खाली USD सस्पेंशन से अगर इस बाइक में ओल्ड बाइक से स्विच कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता वर्थ होगा। बाकी लुक जैसे USD लगते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे USD सस्पेंशन की अगर बात ही हो रही है तो यहाँ पे दोस्तों जो अपने हॉर्नेट 2.0 और एक्सब्लेड आ रही है उनमें पहले से ही जो है ये USD सस्पेंशन दे रही है होंडा, तो यहाँ पे ये कोई मेजर अपडेट नहीं बोल सकते हम लोग इसको। और वहीं अगर बात करें दोस्तों इसके इंजन की, तो इंजन में हल्का सा बदलाव किया गया है। तो दोस्तों, इंजन वैसे तो सेम ही मिलता है, 155cc का 4-valve सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन 6 गियरबॉक्स स्पीड के साथ। और यहाँ पे अगर बात करें इसके पावर की, तो 15.4 BSP की पावर मिलती है, जो कि -0.1 यहाँ पे कम कर दी गई है। और अगर बात करें टॉर्क की, तो वो हमें देखने को मिलता है 14.2 Nm का टॉर्क यहाँ पे बढ़ा दिया गया है 0.2 Nm, और यहाँ पे जो पावर है वो 0.1 BSP कम कर दिया गया है। तो ये छोटा सा बदलाव है, मुझे नहीं लगता ये कोई मेजर इशू है, और 0.1 BSP से कौन सा पावर को फ़र्क पड़ेगा। वहीं अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे लाइटनिंग की, तो आपको जो है LED फ्लैशर के साथ आती है, ये बाइक अलग से इंस्टॉल करके देंगे अगर आप लोग इसका हैवी मॉडल ग्राफिक्स वाला वो लोगे तो। यहाँ पे जो LED फ्लैशर है वो आप लोगों को इंस्टॉल करके देंगे, जैसे हमें अफजेडस V3 के डिलक्स मॉडल में देखने को मिलता था, सेम वही फंडा यहाँ पे अपनाया है। और यहाँ पे डेल्टा बॉक्स फ्रेम आप लोगों को मिल जाती है, बस यहाँ पे अभी एल्यूमिनियम कर दिया गया है इसको, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी कर दी है। एक अगर और अपडेट की बात करें दोस्तों, तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अब जो है इसमें हमें जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो देखने को मिलती है, जो कि पहले ही कर दी थी। और यहाँ पे USB चार्जर वगैरह सारे जो फीचर्स है वो हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर जो है वो भी हमें देखने को मिल जाता है इस बाइक में। और यहाँ पे कलर ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कलर काफ़ी शानदार है, ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कलर सारी आप लोग अब देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पे व्हाइट कलर वाला है। मुझे पर्सनली बताऊँ तो ये व्हाइट कलर है वही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे इसका जो हेडलैम्प वो मॉन्स्टर जैसा है, आप लोग देख सकते हो कलर, देखिए एक तो व्हाइट हो गया और दूसरा जो है यहाँ पे स्ट्रोम हो गया, और तीसरा जो है रेसिंग ब्लू हो गया, और चौथा जो है मेटलिक ब्लैक हो गया। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, एसेसरीज का यहाँ मैंने खुद ही बोल दिया, टैंक पैड आप लोग ले सकते हो, और जो LED फ्लैशर है वो आपको अलग से इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे, मतलब साथ में कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे बोल रहे थे शोरूम वाले कि हाँ इंस्टॉल करके आएंगे, सीट कवर वगैरह ये अलग से ही आपको लगवाने पड़ेंगे, मतलब 5-7 हज़ार रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आपको करना ही पड़ेगा इस बाइक में। तो और दोस्तों बात करें अगर यहाँ पे इस बाइक के मीटर कंसोल की, तो वो भी कंपनी ने
सेम ही रखा है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किया है, वही स्पीड गियर बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, वही स्पीडोमीटर टैकोमीटर जो ओडोमीटर सारे यहाँ पे डिजिटल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो नई चीज़ देखने को मिलती है दोस्तों वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे अब आपको कॉल अलर्ट मैसेज अलर्ट वो सारे ही फीचर यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से हो जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों अगर इस मीटर कंसोल को थोड़ा बड़ा कर देते लाइक जैसे कि एटीएम वगैरह में आ रहा है तो काफ़ी अच्छा होता है, यहाँ पे सोने पे सुहागा हो जाता, मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज करना था, इन छोटी मोटी चीज़ों को जो है वो चेंज करके देना था यामा को। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों एक अम्प्टी 15 वर्जन 2.0 का एक डिटेल रिव्यू, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसे ही बाइक की वीडियोस देखना चाहते हो, बाइक रिव्यू देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि दोस्तों मैं रोज़ ही ऐसे बाइक के वीडियोस लेके आता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।